इस खबर के प्रायोजक हैं आत्मप्रकाश आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय अरसदपुर जंगीपुर गाजीपुर। विद्यालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप मुझसे संपर्क नहीं कर सकते थे, अगर आप नहीं थे तो आप इनको नहीं दे सकते थे जिम्मा। कौन डॉक्टर सुरेश कर सकते थे? आप तो काबिल के काबिल बनते हैं, आपको पैसे पे होल्ड चाहिए पूरा। आयुष्मान कार्यक्रम में मंत्री की शिकायत के बाद डीएम का गुस्सा सातवें आसमान पर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को जमकर सुनाई खरी खोटी। यूपी के फतेहपुर जिले में आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सत्यदेव पचौरी का अव्यवस्था देखकर उन्होंने डीएम से बात करके कार्यक्रम की अव्यवस्था की जानकारी दी। डीएम जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने मंत्री जी के सामने सीएमओ सहित जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। डीएम के इस तेवर के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और सभी स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था में जुट गए। लेकिन पीएम द्वारा देश को संबोधन के समय तक भी लाइव टेलीकास्ट की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकी। इस अव्यवस्था को मंच में बैठे मंत्री, विधायक और जिले के अधिकारी बैठकर देखते रहे। काफी समय बाद पीएम का संबोधन वहां बैठे लोग और अधिकारी सुन पाए। वह जब कार्यक्रम की अव्यवस्था के बारे में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि इस कार्यक्रम में अव्यवस्था हो रही है और कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। काफी अव्यवस्थाओं से घिरा रहा शुरुआत से, आप भी आए हैं, ठीक है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? वो तो हम देखेंगे, जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। किसी अधिकारी को क्या कार्रवाई? उन्हें इतना ही बता दिया।